नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि अगर आप कमोड खरीदने जाते हैं तो आपको फ्लोर माउंट लेना चाहिए या वॉल माउंट लेना चाहिए। तो आज ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देने वाली हूँ इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्लोर माउंट के साथ आप जाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है और क्यों आपको फ्लोर माउंट की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप वॉल माउंट कमोड लेते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको पहले से लेना होगा, क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, इसके बारे में इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लुक वाइज। अगर आप फ्लोर माउंट लेते हैं तो उसका लुक बल्की लुक आता है और वो लगने के बाद अच्छा नहीं लगता, काफी बल्की लगेगा, हैवी लगेगा बाथरूम में। बट अगर आप वॉल माउंट की तरफ जाते हैं तो वो उसका लुक बहुत अच्छा आएगा, वो बल्की नहीं लगेगा, लुक मॉडर्न है उसका, बट इसमें आपको मॉडर्न लुक नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर टू, मैं अपीयरेंस के ऊपर बात करती हूँ। तो अगर आप अपीयरेंस को देखते हुए लेना चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको वॉल माउंट लेने का, क्योंकि फ्लोर माउंट का अपीयरेंस लुक मॉडर्न नहीं है, बट वॉल माउंट का लुक अपीयरेंस सब कुछ मॉडर्न है और सही भी लगता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्लीनिंग के ऊपर में, तो अगर आप फ्लोर माउंट लगाते हैं तो नीचे का सरफेस जहाँ पे आपका कमोड बैठा हुआ है वहां पे अच्छे से क्लीन नहीं होता, काई वगैरह जम जाता है जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बट वॉल माउंट की तरफ जाते हैं तो क्लीनिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका नीचे का पूरा फ्लोर आपके लिए खाली है, आप आराम से पानी से धो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कहीं पे भी काई वगैरह नहीं जमेगा। तो क्लीनिंग का प्रोसेस इसमें आसान है, इसमें हार्ड है। तो अब मैं बात करती हूँ इस दोनों की फिटिंग्स के बारे में। आपका फ्लोर माउंट जो है इसमें फिटिंग्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से नॉर्मल कोई भी प्लम्बर आएगा उसको फ्लश सिस्टम और नीचे का सीट अच्छे से लगा के चला जाएगा, और उसमें आप टू सीट पीस और वन पीस का ले सकते हैं। अगर टू पीस लीजिएगा तो फ्लोस अलग और सीट आपका अलग रहेगा, और अगर वन पीस लीजिएगा तो दोनों एक साथ रहेगा। उसको फिटिंग्स करने में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इजीली वो कोई भी प्लम्बर करके चला जाएगा। बट अगर आप वॉल माउंट लेते हैं तो उसको फिक्स कराने के लिए आपका जो वॉल है जहाँ पे आपका कमोड रखाने वाला है वो वॉल का थिकनेस मिनिमम आपका 10 इंच ही होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही फ्लस आपका जाएगा और वो अंदर रहेगा। सिर्फ बटन प्रेस करिए तो फ्लश हो जाएगा और पूरा वॉल में वो अंदर रहेगा, वॉल के अंदर रहेगा। बट अगर आपका 5 इंची का वॉल है तो वैसे केस में आपको क्या करना है, 5 इंची जहाँ पे फ्लश सिस्टम रहेगा वहां पे 5 इंची वॉल को और निकाल के कुछ डिजाइन वगैरह आपको बनाना पड़ेगा, या तो वो पोर्शन थोड़ा निकला हुआ रहेगा उसके ऊपर आप ऐसे 5-5 इंची का स्लैब देके कुछ शैम्पू साबुन सरफ ये सब रखने का कुछ बना सकते हैं, क्योंकि वो अगर 5 इंची दीवार है तो थोड़ा सा आपका निकला हुआ लुक आएगा। अदरवाइज आप पहले से वॉल माउंट बनाना चाहते हैं तो आप एक साइड का वॉल को 10 इंची दे जहाँ पे आपका कमोड फिट होने वाला है, तब जाकर के आपका एक फ्लॉलेस लुक आ पाएगा, अदरवाइज वो निकला हुआ थोड़ा सा ऑड लगता है। और अगर मैं बात करूँ इस दोनों की मेंटेनेंस एंड रिपेयर के बारे में, तो फ्लोर माउंट पे आपका ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगता और इजी टू रिपेयर है, बट वही आपका वॉल माउंट में मेंटेनेंस और रिपेयर टाइम में बहुत ही आपका खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर फ्लश सिस्टम या फिर कुछ भी डैमेज होता है जिसके वजह से पूरा वॉल पे आपका सीपेज कर सकता है अगर डैमेज हुआ तो, और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आ गया, फ्लश काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करेगा, दीवार का टाइल्स हटा के दीवार कोड़ के वो फ्लश सिस्टम को ठीक करवाना पड़ेगा, उसके बाद दीवार पूरा बनवाना पड़ेगा, फिर टाइल्स लगवाना पड़ेगा। तो इसका मेंटेनेंस और रिपेयर दोनों कॉस्टली है और टाइम टेकन भी है, और ये वाला तुरंत आएगा, 1 घंटे में आपका बना के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर मैं नॉइज की बात करूं तो आपका वॉल माउंट को मैं ये पॉइंट देने वाली हूँ, क्योंकि वॉल माउंट में नॉइज नहीं आता। फ्लश आप ऑन करते हो पानी का आवाज आपका दीवार के अंदर रहता है तो आवाज नहीं आता, नॉइज नहीं करता, बट वही आपका फ्लोर माउंट में बहुत ज्यादा नॉइजी होता है। आप एक बार बटन दबाओ फ्लश का आवाज बहुत तेज से आएगा, यानी कि हॉल में भी कोई बैठा हुआ तो सुनाई दे देगा कि फ्लश ऑन हुआ है, बट वॉल माउंट में नॉइज नहीं आता। अब मैं बात करती हूँ स्पेस के बारे में। आपका फ्लोर माउंट में काफी स्पेस लेता है, क्योंकि फ्लश का सिस्टम चाहिए, आपको बैठने का सीट लगाना है, थोड़ा सा स्पेस ये रहता है। वॉल माउंट पे सारा कुछ दीवार के अंदर रहता है, तो आपका 10 इंची तो ऐसे ही कम गया, उसके बाद सिर्फ सीट आपका बाहर रहेगा, बाद बाकी जितना भी चीज है वो वॉल के पीछे रहेगा। तो इसमें आपका बाथरूम स्पेसियस दिखेगा, इसमें थोड़ा कंजेस्टेड दिख सकता है। बाथरूम अगर आपका छोटा है तो आप वॉल माउंट की तरफ जाए, बाथरूम अगर बड़ा है तो आप फिर फ्लोर माउंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस ज्यादा लेता है और ये कम लेता है। और अगर मैं बात करूँ हाइट की, तो फ्लोर माउंट में आपका हाइट जो है वो फिक्स रहता है, 15 इंची 16 इंची, तो ये फिक्स रहता है, उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका हाइट जो है लगाएंगे तो वही हाइट आएगा। बट वॉल माउंट में अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप उसको ऊपर नीचे फिटिंग करवा सकते हो, अगर आपको ऊपर चाहिए तो ऊपर करवा सकते हो, नीचे चाहिए तो नीचे करवा सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको हाइट एडजस्ट करवाना है तो आप वॉल माउंट की तरफ जाए, ना कि फ्लोर माउंट की तरफ। और अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो स्टैंडर्ड साइज आपका होता है 15-17 इंची, तो इसी हाइट में आप उसको रखें तो वो आपका स्टैंडर्ड हाइट है, जिसमें आपको मतलब पैर में स्ट्रेस नहीं होगा, बैठने में कंफर्टेबली आप बैठ के अपना जो भी है वो कर पाओगे। तो अब मैं बात करती हूँ इन दोनों के प्राइस के बारे में। तो प्राइस अगर आप फ्लोर माउंट लेते हैं तो आपका 5 से 10 हजार में बढ़िया आ जाएगा,
बट अगर आप ब्रांड की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो फिर आपका रेंज का कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत ज्यादा भी जा सकता है। बट एवरेज रेट की मैं बात करूँ तो 5 से 10 में आपका हो जाएगा। बट वही आप वॉलमार्ट की तरफ जाते हैं तो सेम ये लेंगे तो आपको 5 से 10 पड़ेगा, बट इसमें 9 से 12 तक आपका रेंज जा सकता है। अगर आप क्वालिटी में जाएंगे, ब्रांड में जाएंगे, तो वो रेट बहुत ही बढ़ेगा। ये मैं स्टार्टिंग रेंज आपको बताई, जो कि नॉर्मल अच्छे क्वालिटी का लीजिएगा तो 9 से 12 में आ जाएगा। लेकिन आपको हाई क्वालिटी चाहिए, जॉनसन का चाहिए, जैगवार का चाहिए, ये सब का चाहिए, तो फिर आपका रेट और भागेगा। तो अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप वॉल माउंट करा सकते हैं। बजट आपका ज्यादा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फ्लोर माउंट ही कराए। तो चलिए अब इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो फ्लोर माउंट अगर आप लगाते हैं तो इसका एडवांटेज है आपका, इसका कॉस्ट जो है बहुत कम पड़ता है आपको, और ये इजी टू इंस्टॉल है, इसका मेंटेनेंस है, रिपेयर कॉस्ट आपको नहीं लगता है। और फ्लोर माउंट में बल्कि लुक ही नहीं, मॉडर्न लुक भी बहुत सारे आ गए हैं। तो आपका बजट सेविंग में आपको लगाना है तो फ्लोर माउंट का मॉडर्न लुक जो आ गया है वो भी जाकर के सर्च करके देख के वो भी आप लगवा सकते हैं, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज नहीं है एज कम्पेयर टू वॉल माउंट। अगर मैं वॉल माउंट की बात करूँ तो ये इजी टू क्लीन है, मॉडर्न लुक है, लेस फ्लश नॉइज, फ्लश का नॉइज ज्यादा नहीं करता है, और इट इज एडजस्टेबल, वो आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये सब इसका एडवांटेज है। और अगर तो इसका एक ही मात्र डिसएडवांटेज ये है कि इसका कॉस्ट ज्यादा है पहली बात तो, और दूसरा इसका मेंटेनेंस एंड रिपेयर बहुत कॉस्टली है, क्योंकि आप अगर वॉल तोड़ के रिपेयर करवा भी लिए कम पैसे में तो आपको वॉल तो बनाना ही होगा ना, तो वहां आपका कॉस्ट चला जाता है। तो आप अगर अपना बजट को सेव करते हुए कमोड लगाना चाहते हैं तो आप फ्लोर माउंट की तरफ जाए। फ्लोर माउंट में भी एक से एक डिजाइन आ गया है मॉडर्न लुक के साथ, तो आप फ्लोर माउंट भी ले सकते हैं। बट अगर आपको बजट से टेंशन नहीं है, लुक आपको अच्छा चाहिए, इंटीरियर बाथरूम चाहिए, एकदम अच्छा सा चाहिए, जैगवार वगैरह का लगाना है, तो आप वॉल माउंट पे जाए, वो लुक बहुत ही मॉडर्न देता है, क्लीन व्लीन करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया हो। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड ड्रीम, बाय बाय।